बड़ी खबर आपको बताते हैं, उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां सबसिटी सेंटर में बंदूक की दुकान पर बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। एक युवक उछलकर खिड़की से सड़क की दूसरी ओर गिरा। दूसरे युवक ने दुकान की सीढ़ियों में दम तोड़ा। बिजली गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस ने शवों को एमबी की मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर बिजली गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। सबसिटी सेंटर में बंदूक की दुकान पर बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। एक युवक उछलकर खिड़की से सड़क की दूसरी ओर जा गिरा। तोड़ा, पुलिस ने शवों को एमबी की मोर्चरी में रखवाया है। बड़ी जानकारी उदयपुर से आ रही है सामने, जहां बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। एक बंदूक की दुकान में दो युवकों की मौत हो गई है। सबसिटी सेंटर में बंदूक की दुकान पर बिजली गिरी और बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। एक युवक उछलकर खिड़की से सड़क की दूसरी ओर गिर गया, तो वहीं दूसरे युवक ने दुकान की सीढ़ियों में दम तोड़ा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा हादसा हुआ कब और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है, हम दोबारा उसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, उदयपुर से ये एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां सबसिटी सेंटर में एक बंदूक की दुकान में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। एक युवक उछलकर खिड़की से सड़क की दूसरी ओर जा गिरा, तो वहीं दूसरे युवक ने सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा हादसा हुआ कब और इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, उदयपुर के सबसिटी सेंटर इलाके की यह घटना है, जहां पर अब से करीब आधे से एक घंटे पहले तेज बारिश के साथ, तेज हवाओं के साथ आंधियां चली थी और इस दौरान बिजली भी गिरी थी। तो बिजली गिरने से आसपास के इलाकों में तेज ब्लास्ट की आवाज आई थी। लोगों ने जाकर देखा तो यहाँ एक बंदूक की दुकान थी जिस पर बिजली गिरी थी, और उस बिजली गिरने से अंदर दो लोग उस समय काम कर रहे थे। एक तो दुकान का मालिक बताया जा रहा है और एक उसका वर्कर बताया जा रहा है। तो जिस समय यह हादसा हुआ और जैसे ही बिजली गिरी, तो बिजली गिरने के बाद उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो खिड़की थी, कांच की खिड़की थी, उसमें ब्लास्ट हुआ और जो ऊपर काम कर रहा था वो सड़क दूसरी ओर उतर कर बाहर की ओर गिरा और उसके पूरे परखच्चे उड़ गए, शरीर के भी काफी टुकड़े हो गए। और उसके बाद जो दूसरा वर्कर अंदर काम कर रहा था वो सीढ़ियों में ही उसने दम तोड़ दिया। ऐसे में इस घटना पर जो डिप्टी है वो मौके पर पहुंचे, चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को तत्क्षण हालत में एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और आगे की जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अभिषेक ने जिस तरह से बताया कि मृतकों में एक उस दुकान का वर्कर बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा दुकान का मालिक है जिसकी मौत हो गई है। और उदयपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक सबसिटी सेंटर में बंदूक की दुकान पर बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है।